ब्लाउज मेकिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस ब्लाउज की कटिंग देखेंगे और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। नाप आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस नाप से हम आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस ब्लाउज की लंबाई लेंगे। लंबाई है 13 इंच, 1 इंच प्लस करके हम 14 इंच पर एक मार्क करेंगे। शोल्डर है 13 इंच, 13 का आधा करके हम 6.5 इंच पर यह निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पीछे बोट नेक है और आगे डीप नेक गला है, इसलिए शोल्डर हमें बॉडी मेजरमेंट में जितना है उतना ही लेना है। और शोल्डर डाउन हमें आर्म होल की तरफ करना है। गले की चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे और गहराई 3 इंच है, और डिज़ाइन बनाने के लिए 10 इंच पर फिर से एक मार्क करेंगे इस तरह से, और हम यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3 इंच पर फिर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है और 10 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और गले का शेप देना है इस तरह से। आगे की तरफ 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है, इस तरह से गले का शेप देना है। आर्म होल के लिए हमने जो डाउन वाला निशान लगाया है वहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाना है, और चेस्ट 32 इंच है। 32 का फोर्थ पार्ट हम यहाँ लेंगे तो 8 इंच है, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और जो आर्म होल की गोलाई है वो 1.25 इंच पर से देनी है। ऊपर 0.5 इंच छोड़ के हम यहाँ नापेंगे तो आर्म होल 7.25 इंच आना चाहिए, तो हमारा 7.25 इंच बराबर बैठता है आर्म होल। कमर है 27 इंच, 27 का फोर्थ पार्ट 7.25 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ सिलाई मार्जिन जोड़ लेना है। टक्स के लिए निशान लगाना है तो इस तरह से इंची टेप को रखना है। 1 इंच का टक से, इसलिए दोनों तरफ 0.5 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर की तरफ 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन से यहाँ जोड़ लेना है इस तरह से। इस तरह से टक्स का शेप देना है। इसी तरह से हमारा पीछे का पल्ला पूरा हो चुका है, इसकी कटिंग करेंगे। जो डाउन वाला निशान है वहाँ से कटिंग करनी है इस तरह से, और यही पल्ला रख के हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। इस पेपर पर 2 लाइन ड्रॉ की है 0.5 इंच पर आगे आए और हुक लगाने के लिए, और प्रिंसेस कट के लिए 0.5 इंच एक्स्ट्रा लगता है नीचे की तरफ, इसलिए पेपर को इस तरह से रखेंगे। आगे के पल्ले में जो टक्स लगता है वो 1.5 इंच का होता है, और हमने पीछे की तरफ 1 इंच का टक्स लिया है तो 0.5 इंच आगे के पल्ले में बढ़ाना होगा। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हमें यहाँ जोड़ लेना है। चेस्ट की तरफ हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। गले के लिए यहाँ निशान लगाना है, और जो आर्म होल है आर्म होल की तरफ सिलाई मार्जिन पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ भी 2 इंच सिलाई मार्जिन निकाल के यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है। गले की चौड़ाई है वो 3.5 इंच है, और डीप नेक गला है आगे की तरफ तो 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले का शेप देने के लिए यहाँ 1.5 इंच लेना है आगे की तरफ, और इस तरह से गले का शेप देना है। आपको जो चाहिए वो शेप आप दे सकते हैं। मैं सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ गले के लिए। जो आर्म होल है वो आर्म होल के जो लाइन ड्रॉ की थी हमने पीछे के पल्ले में, वैसे ही लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी है। और आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 0.5 इंच पर एक निशान लगाना है, राउंड देना है हमें यहाँ 1.25 इंच पर। टक्स की जो विड्थ है वो 3.25 इंच पर है, और टक्स पॉइंट हमें लगाना है वो 9 इंच पर लगाना है, ऊपर से 9 इंच पर।
इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और टक से है वो 1.5 इंच का है, तो ये जो लाइन है वो 5.5 इंच की है, तो 5.5 इंच का आधा करके हमें यहाँ दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें यहाँ प्रिंसेस कट का शेप देना है। आगे के आर्म होल पर यहाँ जॉइंट करना है इस तरह से। नीचे की तरफ भी हमें यहाँ शेप देना है इस तरह से। इस तरह से हमारा आगे के पल्ले का जो ड्राफ्टिंग था वो पूरा हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आगे का जो आर्म होल है वहाँ से कटिंग करनी है इस तरह से। जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो सिलाई मार्जिन की तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ से हमें इस तरह से काट करके निकाल देना है। और आई और हुक की तरफ से भी 1/2 इंच कट करके निकाल देना है इस तरह से। सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है 1/2 इंच पर ही हमें आई और हुक की पट्टी लगानी है। कपड़े पर कटिंग करते समय इस दोनों पार्ट में हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि सिलाई लगाते समय ये कपड़ा कम ना पड़े। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने के लिए मैंने पेपर पर कटिंग किया था, तो वही मेज़रमेंट लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आप भी इस ब्लाउज़ को ट्राई कीजिएगा। दोनों पार्ट जोड़ने के लिए हमें नीचे से सिलाई लगानी होती है इस तरह से। सिलाई करते समय कोई भी पार्ट खींचना नहीं होता, अच्छे से हमें यहाँ सिलाई लगानी होती है इस तरह से। घुमा के सिलाई लगानी होती है जहाँ कर्व होता है वहाँ। अगर आप कोई पार्ट खींच लेते हैं, खींच के सिलाई लगाते हैं, तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। वैसे ही जो कटोरी का जो पार्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन आर्म होल की तरफ से हम काट करके निकाल सकते हैं। इसमें आर्म होल फिटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं होते। इस तरह से यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, वो हम इस तरह से काट करके निकाल देंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कपड़े पर कटिंग करते समय जो दोनों पार्ट है वहाँ हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से हमने पाइपिंग लगाई। आप चाहो तो यहाँ पट्टी लगा सकते हो, आयर हुक की पट्टी भी हमने लगा ली है।